जिले के टांडा कस्बे में सपा नेता मोहम्मद अयाज उर्फ गुल्लू की गोली मारकर हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सपा नेता पर 16 मई को अज्ञात बदमाशों ने देर रात ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की थी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले थे। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल सपा नेता को रात में ही ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया था। हालत खराब होने की वजह से सपा नेता को मेधांता में भेज दिया गया, जहां पर 2 सप्ताह के बाद इलाज के दौरान सपा नेता की मौत हो गई थी। सपा नेता की हत्या के बाद से पुलिस इस मामले को चुनौती मांग रही थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले के खुलासे को लेकर के अलीगंज पुलिस और सॉस टीम को लगा रखा था। कल देर रात पुलिस टांडा के कस्मिया तिराहे पर चेकिंग कर रही थी, तभी सपा नेता का हत्यारा वसीम असगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और कारतूस और 1000 रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है। पिछले माह अयाज उर्फ गुल्लू की हत्या हुई थी, थाना अलीगंज क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था, टांडा नगर में ही। उसमें एक अभियुक्त पहले वैदुर रहमान गिरफ्तार हुआ था, एक अभियुक्त गिरफ्तारी शेष थी और कुछ भी अभी संदेह के दायरे में। उसके दूसरा अभियुक्त वसीम गिरफ्तार हुआ है और जिस ये शूटर है, इसके पहले भी इसके ऊपर विभिन्न गंभीर धाराओं के 10 मुकदमे हैं। इससे मोबाइल जो इसने घटना में यूज किया था, जिससे इंटरेक्ट किया था, वो रिकवर हो गया है। जो इसने वेपन यूज किया था 911 का, वो भी रिकवर हो गया है। ये अच्छा कार्य हुआ, इसलिए इस टीम इस पर 20,000 रुपये का रिवार्ड भी था, अलग से 10,000 का रिवार्ड टीम को दिया जा रहा है।